लाइव इंडिया को और दिगर चीजें जो आप लोगों के लिए हेलो के लिए भी ताकि उनकी बहुत जरूरत भाई भाई के लिए तालियां बजाएं उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और आप लोगों को इतराज भी किया था और उसके लिए तारीफ भाई ने कि कैसा रहा आज का इवेंट और क्या क्या मुश्किल आपके सामने इस इवेंट को फाइनलाइज करने के लिए प्लीज आप लोग इन सभी तालियां होनी चाहिए जबीन अख्तर सर ताजमहल ट्रैवल एजेंसी के सबसे पहले तो सारे हमारे भाइयों को ईद तो बहुत देर हो गई गुजर चुकी है और ईद की मुबारकबाद और दूसरा ये कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आपके चारों भाई तमाम जितने के भाई आदेश कादे आपके शामिल और जितने भी हैं तमाम की तारीफ करनी है सलीम भाई चारों भाई दानिश नाइन दानिश आरिफ भाई कम भी नहीं आ रहे कदम नहीं आ रहे कदम नहीं आ रहे कदम भाई कहाँ है भाई कहाँ है कदम भाई कहाँ है सबसे पहले मैं करण कम्युनिटी डेली का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ राजीव जी के इस जबरदस्त प्रोग्राम में शिरकत का और साथ ही जब मैं सभी बाकी बोलता हूँ एक बात बोलूँगा कि मुझे यकीन करें कि आज की बहुत खुशी हुई स्पेशली एक अपना अपने पाकिस्तानी भाई को देख रहे थे जीत रहा था और दूसरा प्रोग्राम का मेन फोकस बचे है और इस तरह के प्रोग्राम बहुत कुछ देने चाहिए बधाई भी देने चाहिए इसके मतलब ये है कि हमारे एक दिल्ली का प्रोग्राम बहुत कुछ होने चाहिए बधाई भी देने चाहिए इसके मतलब ये है कि हमारे बहुत शुक्रिया कलेश साहब का बहुत शुक्रिया बहुत सारी तालियों बहुत शुक्रिया आपका प्लीज तशरीफ लाइए बहुत शुक्रिया इनका और बहुत सारी तालियां के अंदर म्यूजियम से आए और पाकिस्तानी कम्युनिटी की बेहतर खिदमत कर रहे हैं और सारे पाकिस्तानी भी जानते हैं और हम चाहेंगे कि दो दो मिनट सब आप लोगों को बताएंगे कैसा रहा इवेंट जी अस्सलाम वालेकुम मैं बिल्कुल बोर नहीं करूँगा आप लोगों को आप सबका शुक्रिया कि आप लोग आए और ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया इन्होंने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और मेरे ख्याल में बच्चों के लिए ये सबसे ज़रूरी है जो बच्चे हैं तो उन्हें वो ये पूछते हैं कि हम कौन हैं हम जर्मन हैं पाकिस्तानी हैं बड़े कंफ्यूज रहते हैं तो यहाँ पर अपने जैसे बच्चों से मिलते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो जर्मन भी बने पाकिस्तानी भी बने बहुत शुक्रिया थैंक यू बहुत शुक्रिया पूछ रही है और आतिफ खान साहब हमारे बहुत ही सीनियर हैं और ये कम्युनिटी के अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वालेकुम अस्सलाम आज का प्रोग्राम बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी था खुशखबरी नहीं दे सकता हूँ कि आइए इंशाल्लाह इस साल स्टार्ट होने वाली है टीम आ चुकी है पेरिस में हब बनेगा पेरिस से पहले सारे ऑपरेशन होंगे और दो हफ्ते बाद पाकिस्तानी आम आना शुरू हो जाएगा फ्रैंकफर्ट में और मैं इंशाल्लाह पहला कदम मेरे को पेरिस में लेकर आएगा शुक्रिया कराची का ही आम होगा हमारे लोगों का माहौल हमारा जो है ना कल्चर क्या है इस वजह से और मैं बेसिकली खुद कराची में हूँ भाई क्या कहेंगे जी मैं कराची कम्युनिटी को बार बार पेश करता हूँ कराची को पाकिस्तान में मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है और मुझे बड़ी खुशी हुई है और मैं फख्र से कह सकता हूँ जनाब मुराद शफी मुराद साहब अभी अदब से ताल्लुक़ रखते हैं और ऑनलाइन जो है ये अदब के हवाले से मैं चाहूँगा
के मौका मुख्तसर खुद ही जो है तारुफ कर सके, क्या कहेंगे आज के हवाले से आपके बारे में? आप सबका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए और हमें ये एहसास हुआ कि यहाँ पर भी एक मिनी पाकिस्तान है और आपका ये प्रोग्राम जो तो है दरअसल ओरिजिनल मैं लाहौर से हूँ, तो उस वक्त हमें पता नहीं था जब हम लाहौर में रहते थे कि कराची के लोग कितने अच्छे हैं, ये मुझे आज पता चला है यहाँ पर। तो मैं इन कम्युनिटी को गाइड करता हूँ फिनांस के एरिए में, जितना भाभी आ जाए जिसको बहुत बहुत सारे ताले हुए पुराना पुराना भाभी प्लीज तशरीफ लाइए, जो बीना भी तशरीफ दिया है और के मुताबिक इस जर्मनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ लाए, आज के प्रोग्राम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इन्विटेशन दीजिए और मैं खास होकर अपनी फैमिली और मेरा शहर में बचपन ना गुजरा है, मैं तकरीबन यहाँ जर्मनी में आया था 1974, तो शुरू में हमारे बचपन फ्रैंकफर्ट में गुजर गया। ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी और आज तक जितने भी इवेंट हुए सबका बुनियादी किरदार है, एक बार आप सबकी भरपूर तालियों में तालियों से आगाज करिएगा हमारे प्यारे केसीजी के फाउंडर एक बार फिर मोहतरम जनाब आजाद हुसैन भाई का आपकी भरपूर तालियों में स्वागत करूंगा। भाई आजाद भाई हमें आए और फिर एक बार फिर तालियां रुकनी चाहिए। जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों काबिले दिया सबको सलाम। आप मुझे बार बार देखते रहेंगे, आप स्टेज पे आता रहा तो अभी किसी ने वहां पूछा कि भाई आप कौन है, मैंने कहा मैं कुछ नहीं, ऐसा हमने एक रिवायत कायम कर दी है और ऐसी रिवायत कि जिसमें जो टैलेंट है वो आए करे। हम कराची कम्युनिटी जर्मनी एक ऐसी रिवायत इसी तरह से काबुल करते रहेंगे, इंशाल्लाह इससे बड़ा ऑर्गेनाइज करेंगे हम। और जैसे मैंने अभी ऐलान किया था तो वो ऐलान हम दोबारा से आपके सामने करते हैं कि 14 अगस्त का जश्न आज़ादी 17 अगस्त को इंशाल्लाह हम मनाने जा रहे हैं और वो भी आप ही ताबुन से हूँ। बहुत शुक्रिया।